टाडा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा आसोपुर काफी बड़ा ग्राम सभा है, जिसमें यहां पर शासन ने विभाजन करके दो कोटा का निर्माण कर दिया, जिसमें कोटेदार जगन्नाथ यादव पर रुस्तमपुर पूर्वे का लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि कोटेदार कीमत से ज्यादा शुल्क वसूलने के साथ साथ राशन कार्ड बनवाने या नाम फीड कराने का भी पैसा लेते हैं। जहां एक तरफ भारत सरकार गरीबों के लिए नई योजना का शुरुआत करती है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन योजना, तो कहीं आवास योजना, तो किसान सम्मानित योजना, और कोई भी गरीब भूखा न मरे उसके लिए सरकार ने गरीबों के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोल रखी है। गरीबों को बाजार से कीमत से बहुत कम दाम पर राशन मिलने का प्रावधान है, परंतु कोटेदार क्या सरकारी नियमानुसार राशन का वितरण कर रहे हैं, यह जानने के लिए जब टाना तहसील के ग्राम सभा आसोपुर के पूर्वे रुस्तमपुर के निवासियों से हाल चाल जानना चाहा, तो यहां का मामला कुछ अजीब निकला। यहां के कोटेदार जगन्नाथ यादव सरकार द्वारा निर्धारित तय मूल्य से अधिक कीमत लेते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि 15 किलो राशन का कीमत 60 रुपए लेते हैं, जबकि सरकारी कीमत गेहूँ 2 रुपए प्रति किलो, गेहूँ एवं चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलो है। कुछ लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि कोटेदार राशन कार्ड के नाम कटवा कर फीड कराने के नाम पर 500 रुपए मांगते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर नाम फीड हो जाता है तो वह कट भी जाता है। अपनी समस्या जो है कहीं शिकायत की, अपनी समस्या की गरीब बनोकर राशन कार्ड बंद बनो घर दुआ गिर आवास मिलत नाली कहा बनवा नाली दिमाग खराब हो रहा नलिए सबका। एक चीज आप लोग देखिए, निःशुल्क फ्री सेवा है, जिसके जिसके पास मोबाइल हो वो। हम इस समय अंबेडकर नगर जिला के टांडा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा रुस्तमपुर में पहुंचे हैं। यहां पर ग्रामीणों को कुछ कोटेदार संबंधित शिकायत है, हम जानना चाहते हैं। चाची आपका नाम क्या है? ललिता। आपको राशन मिलता है? नहीं, राशन ना कार्ड ही नहीं बना है। कार्ड कब से नहीं बना है? करीब 4-5 साल। 4-5 साल से। आपने इसके लिए किसी से कहा? हाँ, कहा था 600 रुपया था तब लाए, तब राशन कार्ड बनी। कौन कहता है? कोटेदार कहिए और कहते हैं। आपका नाम? नीलम। आपको मिलता है राशन? हाँ, राशन मिलता भैया, लेकिन कुल नहीं, खाली 16 किलो देते हैं, 7 परिवार हैं। राशन कार्ड में कितने परिवार चढ़े हैं? 3 कट गया है कार्ड में। और 16 किलो का पैसा कितना लेते हैं? 60 रुपया। 60 रुपया। आपको? सुनीता नाम है। आपको कितना राशन मिलता है? राशन कार्ड बनावा भी। कभी नहीं राशन कार्ड था? नहीं, हम लोग का बनावा कट गया। कब कटा है? 3 दिन कागज दिए ना, तो कागज सही ना आ। ऑनलाइन वापस। और उसके लिए कुछ पैसा मांगते हैं? हाँ, जब जा कहीं 500-600 रुपया देता बने। अच्छा, 500-600 रुपया दीजिए। कौन कहता है? कोई कोटेदार। कोटेदार। आपका? मोक ना मिला। राशन कार्ड है? नहीं। कितने दिन से नहीं है? ये नोक ना बना। आपको राशन मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 16 किलो। कितने परिवार हैं आपके? 7 परिवार है, 2 जन का चढ़ा है नावा, 4 जन का मिला, तो वो 16 किलो। कितना पैसा लेते हैं कोटेदार? 60 रुपया और नमक से 70, नमक देंगे 70 रुपया। यानी 16 किलो राशन का 60 रुपये लेते हैं। इसमें कितना गेहूं कितना चावल है 16 किलो में? 8-8। यानी 8 3 24 16 कुल मिला के 8 किलो गेहूँ मिलता है। कुल मिला के आपको 32 रुपये देना चाहिए 16 किलो का। मैं 32 नहीं, 42 रुपये। हमारे BPL कार्ड है। हाँ। 35 किलो वो है, लेकिन पीछे देखें। पैसा कितना लेते हैं? पैसा 100 रुपये। कितना चावल? कितना गेहूँ? 15 चावल देखें, 15 गेहूँ। 15 चावल 15 गेहूँ, 15 × 30 15 45 70 75 रुपये आपका लगना चाहिए। हम कहीं किए मोबाइल।